कैनाल है पाटना डिस्ट्रीब्यूटी जो कि लिमड़ी ब्रांच कैनाल में से आ रही है। ये 4 या 5 साल से कंप्लीट हुई लेकिन अभी तक इसमें पानी आया नहीं है और हमारे यहाँ किसानों को गए साल बारिश कम होने से बहुत बड़ा घाटा हुआ है और हमें पानी की बहुत ज़रूरत है लेकिन ये पानी इसमें नहीं आ रहा है। अभी खेत में कोई भी पानी की तरह समस्या ज़्यादा है इसलिए हमें 2-3 महीने में 4 बार आंदोलन करना पड़ा क्योंकि अभी नर्मदा जो नदी है उसमें पानी जो पिछले 7 साल के हाई लेवल में था पानी, फिर भी खेडूतों को पानी नहीं मिलता था इसलिए हमें 3 महीने में 4 बार आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन में हम 10,000 आदमी इकट्ठा हुए थे, उसके बाद भी कोई रिजल्ट 20 दिनों के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद हमारी फसल बिल्कुल भी सूखी हो गई है और बाद में अभी पानी जब मिला तो थोड़े ज़्यादा हमको मुनाफा हुआ लेकिन खर्चा का हुआ। अभी दूसरी बात वो ही है जो टाइम से पानी नहीं सरकार दे रही है। दूसरी बात ये है कि अभी जो दुष्कर्मग्रस्त जाहिर कर दिया हमारा तालुका जो मालिया तालुका वो डिस्ट्रिक्ट लगता है मोरबी, ठीक है, दुष्कर्मग्रस्त जाहिर कर दिया लेकिन अभी जो प्रीमियम की रकम है उससे भी कम इंश्योरेंस दिया है हमें। जो हमें मिलना था 90% मिलना था 90%, उसके बदले में हमें सिर्फ 35% ही हमें दिया है इंश्योरेंस। हमारी 35 बीघा जमीन से आनी अंदर में 10 जना खावा वाला छे। आप 12 महीना में 4 महीना वावेतर हो 8 महीना सूकू हो। मोदी सरकार वायदा आप है कि नर्मदा पानी से आखो गुजरात में लीलू कर दीधु है, ये मैलू कहीं से नहीं के सूखी जमीन है, खोटा वायदा ना पालन करे छे। ऐसा है कि मतलब यहाँ की जो महिलाएं हैं खासकर राजकोट विस्तार के आपके क्षेत्र की बुजुर्गी की एक महिला रहता है कि घर में अगर पुरुष जिस पार्टी को वोट दे उसी पार्टी को महिलाएं देती है, महिला खुद से इंडिपेंडेंटली सोचती है कि क्या पॉलिटिक्स को समझती है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। महिला भी उसी पार्टी पे वोट देती है उसका फैमिली पूरा और एक दूसरे को सब जोड़ती भी है इसमें शामिल होती है और भाजपा क्या है वो सबको भाजपा क्या है सबको भाजपा क्या कर रही है और क्या करती है वो सबको मालूम है इसीलिए भाजपा को सब पसंद करते हैं सभी लोग। ना छोटे बच्चे भी आजकल घर में भाजपा मोदी बोलते हैं और भाजपा के लिए हमको पूरे सपोर्ट है, आगे भी भाजपा रहेगा। जैसे कि यहाँ की जनता के लिए बाहर जाने के लिए बुलेट वो ट्रेन की सुविधा भी नहीं आज तक, और यहाँ मतलब अमरेली में स्टेशन नहीं है? स्टेशन है अच्छा। लेकिन वो यहाँ लोकल गाड़ी है अच्छा, दूसरे राज्य को नहीं जोड़ती है? हाँ नहीं जोड़ती। यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए भी नहीं है अच्छा, अहमदाबाद भावनगर के लिए भी नहीं है ट्रेन अच्छा। और यहाँ रोड की हालत क्या है? रोड की हालत एकदम बेहतर है, खराब है यहाँ के रोड रास्ते एक गाँव जैसे धूल जैसे मिट्टी उठती है सब। और यहाँ की जनता को पीने के पानी भी 5 दिनों के बाद मिलता है पीने का पानी। और आज तक कितने MP MLA आए और गए, यहाँ की जनता को रोजगारी के लिए कोई भी तक उपलब्ध नहीं किया।